दोस्तों बहुत बहुत आपका नमस्कार प्रिंस तिवारी TDMP चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, यानी एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण, तो विशेषण की अवस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण की सर्वप्रथम अवस्थाएं तीन होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। और इंग्लिश में एडजेक्टिव के भी तीन होती हैं डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो दोस्तों हम सबसे पहले डिग्री बारे में बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हम हिंदी में मूलावस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री में होता है कि किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुणों की तुलना नहीं की जाती है, यदि तुलना भी की जाती है तो उनमें समानता दिखलाई जाती है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो एग्जांपल ले लेते हैं। शिव इज बिग, इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं दिखाया गया, यानी कोई भी इसमें तुलना नहीं दिखाई गई है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव डिग्री यानी मूलावस्था कहते हैं। आता है फिर कि इसमें कंपैरिजन नहीं दिखाया जाता और समानता दिखाई जाती है। समानता कैसे दिखाई जाती है हम देखते हैं। ही इज एज क्लेवर एज सी, यानी वह चतुर है उसकी तरह। तो इसमें कंपैरिजन नहीं किया गया, कंपैरिजन किया भी गया तो इसमें समानता दिखलाई गई, सिमिलरिटी दिखाई गई, इसलिए हम इसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। दूसरा आता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। हमें कंपैरेटिव डिग्री में पहले वर्ड से ही पता चल जाता है, कॉम्परेटिव मीन्स कंपेयर करना। इसमें पहले वर्ड से हमें पता लग गया कंपेयर, इसमें की कंपैरिजन करेंगे हम। कंपैरेटिव डिग्री को हम हिंदी में कहते हैं उत्तरावस्था। ये इसमें क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री में, कि व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है और उनके गुणों को मतलब असमान बताया जाता है। एक जो एक गुण है वो दूसरे गुण से, एक के गुणों की तुलना दूसरे गुणों की अपेक्षा अधिक की जाती है, मतलब कि कंपैरिजन इसमें किया जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कृष्णा इज़ बिगर देन शिव, मतलब इसमें कंपैरिजन दिखाया गया है, इसलिए इसको उत्तरावस्था यानी कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। कंपैरिजन कैसे दिखाया गया कि कृष्णा जो है शिव से बिगर है, इसमें हमें पता चला है देन जो वर्ड है वो कंपैरिजन शो करता है यानी कंपैरेटिव डिग्री शो करता है। तीसरा आता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, जिसे हम हिंदी में उत्तरावस्था कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है राम इज बेटर देन ऑल, मतलब कि जो राम है वो सबसे बेटर है। ये जो सुपरलेटिव डिग्री है इसमें क्या होता है कि जब एक ही प्रकार के तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है और बताया जाता है कि एक के गुणों की मात्रा सबसे अधिक है, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे इसमें राम इज बेटर देन ऑल, जो राम है वो इन सभी में सबसे लंबा है। दोस्तों डिग्री मीन्स होता है मात्रा, तो इसे हम कहते हैं अवस्था। चलिए देख लेते हैं कैसे इसमें आप बताना है कौन सी सुपरलेटिव कॉम्परेटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो इसमें ER और EST लगाकर बना दिया गया कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह दूसरे में आ गया गुड, बेटर, बेस्ट, पर इसमें जो है पूरा सेंटेंस ही मतलब पूरा वर्ड ही चेंज कर दिया गया,
गुड बेटर बेस्ट। तीसरा आता है मोर और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव या फिर कॉम्परेटिव, यानी दोनों डिग्री को बनाना। मोर लगाकर कॉम्परेटिव बना दें, मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बना दें। यूज़ मोर यूजफुल मोस्ट यूजफुल। इसी प्रकार हिंदी में श्रेष्ठतर श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम लगा के तर और तम। इंग्लिश में दोस्तों हमें अलग अलग वर्ड लगा के बनानी पड़ेगी, अलग अलग जो वर्ड लगा के हमें कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनानी पड़ेगी। इसमें ER, इसमें भी ये पूरा सेंटेंस ही चेंज, वर्ड ही चेंज कर दिया, और इसमें मोर और मोस्ट लगाकर। पर हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में तर और तम लगाकर किसी भी जो है वाक्य, मतलब किसी भी वर्ड को, किसी भी शब्द को हम बना सकते हैं। उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, इसमें उत्तरावस्था में तर लगा दिया और उत्तमावस्था में तम लगा दिया और बन गया हमारा कंपरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू। इसमें भी देखिए लघु लघुतर लघुतम, इसमें तर और तम लगाकर बनाया गया। इधर है थैंक यू बाय प्रिंस तिवारी TDEM।